हेलो फ्रेंड्स, जल्दी जल्दी से ज्वाइन कर लीजिए। फिर हम बताते हैं आज हम क्या लेके आए हैं आपके लिए। हाय फ्रेंड्स, दिस इज शेफ मुक्तजे और आज मैं अमूल पेज पे लाइव आए हूँ। उसमें आज हम सिखाने जा रहे हैं आपके लिए एक बहुत ही इंटरेस्टिंग रेसिपी। आप बताइए कि आपको इंग्रेडिएंट देख के क्या समझ आ रहा है, क्या बनाने वाले हैं आज। जल्दी जल्दी से ज्वाइन करिए सब लोग, तो हम लोग स्टार्ट करें फटाफट अपनी यमी डिलीशियस रेसिपी। आज हम आपके लिए लाए हैं पंजाब का फेमस पिंडी छोले और अमृतसरी कुलचे। आई होप नाम सुन के सबके मुंह में पानी आ गया होगा। तो आप लोग अपने सारे छोले लवर्स को टैग करिए, सबको शेयर करिए। और सबसे पहले आज हम थैंक्स कहना चाहेंगे अमूल पेज का, अभिषेक सर, दीपा मैम, जिन्होंने अमूल पेज पे आने का मौका दिया और हमें एक इंटरेस्टिंग सी रेसिपी शेयर करने का मौका दिया। जो जो देखता जा रहा है प्लीज़ लाइक कमेंट करिए, हाय हेलो करिए। वीडियो आपको प्रॉपरली विजिबल है, ऑडिबल है तो कमेंट करके बताइए, थम्स अप दीजिए। तो फिर हम आगे रेसिपी स्टार्ट करते हैं। किसी के कमेंट नहीं शो हो रहे हैं अभी। हेलो, वेलकम मैम, कैसे हैं आप? थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग, थैंक्स मरियम। कंचन नवगानी, हेलो मैम। हेलो कंचन जी, अलका मैम, मैं अच्छी। पिंकी शाह मैम, हाय। हेलो पिंकी जी, दृष्टि अरोरा, वाओ। हेलो दृष्टि। मलित शाह, हेलो। हेलो मालती जी, अलका मैम क्या बना रहे हो? मैम आज पिंडी छोले और अमृतसरी कुलचे, आई होप आप लोग को पसंद आए रेसिपी। दृष्टि अरोरा मैम, मैम ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू दृष्टि। अलका मैम बहुत अच्छी चीज दिख रही हैं। यस मैम, अलका मैम, माय गॉड। तो चलिए शुरू करें। ये देखिए, ये हमने छोले उबाल के रख लिए थे। इसमें हमने इसका रंग ऐसे करने के लिए हमने इसमें एक पोटली बनाई थी, जिसमें हम चाय पत्ती और कुछ खड़े गरम मसाले डाल के इसको हमने 4-5 सीटी तक बॉईल कर लिया था और इसको हमने इसके पानी से सेपरेट कर लिया है। थैंक अलका मैम, सेंड मी आई लव। यू मैम। पिंकी शाह मैम, ऑल द बेस्ट। बस बनते ही मैम को पार्सल करा जाएगा। इसके साथ हम बनाएंगे चटनी, जो हम इमली के पानी से बनाएंगे।
और उसके ये इंग्रेडिएंट्स हैं। ये हम बनाएंगे कुलचा, कुलचे की स्टफिंग के लिए आलू और सारे मसाले हैं। तो हम सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं कुलचे का डो बनाने से। ये हमने मैदा ले लिया 250 ग्राम। अब इसमें हम शुगर पाउडर, सॉल्ट टू टेस्ट और थोड़ी सी अजवाइन, इसको हम थोड़ा सा क्रश करके हाथ से। मेजरमेंट भी बताना प्लीज। श्योर मैम, उसमें डाल देंगे हम। गलती शो के लिए। हाँ हाँ, डेफिनेटली हम लिंक में डाल देंगे। इसमें हमने 250 ग्राम मैदा लिया है, 1 TSP शुगर पाउडर है, सॉल्ट टू टेस्ट है और अजवाइन है 1 TSP। अब इसको हम थोड़े से वाटर से डो कर लेंगे। इसको थोड़ा रेस्ट की ज़रूरत रहेगी, इसलिए सबसे पहले काम हम लोग ये कर लेंगे। अंकिता मैम हेलो। हेलो अंकिता जी। नॉर्मल वाटर और लुकवार्म वाटर? इसमें आप अभी नॉर्मल है हमारा, और ये जो ब्रेड की तरह बनता है एक्चुअली वो प्रोसेस भी होता है जिसमें हम बेकिंग पाउडर, बेकिंग सोडा सब यूज़ करेंगे कर्ड के साथ, वो थोड़ा टाइम टेकिंग होता है। ये इंस्टेंट वाला है इसलिए हम इसको सॉफ्ट सा दो तैयार करेंगे। रजनी विज मैम कह रही हैं हेलो मुक्ता। हेलो, ये अभी हम ऐसे ही थोड़ा सा रख देंगे 10-15 मिनट के लिए, जब तक हम बाकी तैयारी इसकी करते हैं। जो भी ज्वाइन हो रहा है प्लीज हाय हेलो का मैसेज डाल दीजिए। चैन स्टाइल से बनेगा या नॉर्मल? भाई तो ऑथेंटिक थोड़ा बता रहे हैं तो नॉर्मली बनाएंगे। बाकी इसमें आप जहाँ भी प्याज है वहाँ प्याज स्किप कर सकते हैं, बिकॉज ओनली प्याज का ही यूज़ है और कोई ऐसा वो नहीं है इंग्रेडिएंट जिसमें। ये हमारे कुलचे की फिलिंग के लिए है। हमने बॉयल पोटैटो मैश कर लिए हैं। अब इसमें हम सारे स्पाइसेस डालेंगे, सॉल्ट टू टेस्ट, थोड़ा सा अनारदाना, वैसे पाउडर चाहिए, ग्रीन चिली, जिंजर, आमचूर पाउडर, रेड चिली पाउडर, और इसके लिए एक मसाला प्रिपेयर कर किया जाता है, वो एक्चुअली हमने कर लिया पहले। इसमें हम धनिया, खड़ा धनिया और जीरा, तो 1.5 टेबल स्पून हम खड़ा धनिया लेंगे और 1 टीस्पून जीरा लेंगे। उसको फ्राई कर लेंगे ड्राई रोस्ट करके, उसको हम क्रश कर लेंगे, बिल्कुल बारीक नहीं पीसना है, बस हमें थोड़ा दरदरा रखना है, तो स्पेशली मसाला इसमें जाएगा। सब लोग लाइक कार्ड्स भी भेजते रहिए।
थोड़ा सा कोरिएंडर, ललिता कालरा मैम कह रही हैं क्या बना रहे हो दीदी? आज पिंडी छोले और अमृतसरी कुलचे बन रहे हैं। धनिया और जीरा कितना? 1.5 टेबल स्पून हम धनिया लेंगे और 1 TSP जीरा। आलू कितना? आलू आप बाकी अपने अकॉर्डिंग के हैं, और उसमें 3-4 बॉइल्ड पोटैटो हैं, और आप मैश इजीली हो जाए तो करिए, अदरवाइज हम ग्रेटर से भी इसको ग्रेट करेंगे तो अच्छे से होगा। ये हमारी स्टफिंग भी रेडी हो गई है, अब चलते हैं हम एक आपको इसके साथ चटनी दे दिखाएंगे जो इसके साथ सर्व करी जाती है। ये इमली की चटनी रहेगी प्याज वाली, ठीक है? आप जो जैन हैं वो डेफिनेटली प्याज स्किप कर सकते हैं। और इसमें भूमि नाइक नाइस मैम, इसमें भी ग्रीन चिली जाएगी, जिंजर, कोरिएंडर, रेड चिली पाउडर, सॉल्ट टू टेस्ट। आप अगर अनारदाना पाउडर है तो अनारदाना पाउडर डाल सकते हैं। इसमें हम थोड़ा सा खटाई डालेंगे और ब्लैक सॉल्ट, इसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है चटनी में, और रोस्टेड जीरा पाउडर। इसमें इमली के साथ थोड़ा सा हम लोग जैगरी पाउडर डालेंगे जिससे इसका टेस्ट सॉल्ट और थोड़ा स्वीट सा बहुत बढ़िया टेस्ट आएगा इसका। और इसमें हम डालेंगे प्याज, इसमें आप अपने ज़रूरत के अनुसार हम प्याज डालेंगे। ये देखिए हमारी यम्मी डिलीशियस चटनी रेडी हो गई। अगर आप इसको गाढ़ा करना चाहते हैं तो आप इसमें एक मैश्ड पोटैटो भी डाल सकते हैं, अदरवाइज हमारे छोले गाढ़े ही रहेंगे तो इसलिए इसको हम ऐसे ही रखेंगे। ये हमारा रेडी हो गया, अब आते हैं छोले पे। सब लोग कमेंट भी करते रहिए। ये देखिए ये हमने छोले बॉईल करके रखे थे, अच्छे से मैश हो गए। अब इसको हम बड़े बर्तन में एक ले लेते हैं, उसी में एक्चुअली इसको हम पकाएंगे। ये देखिए, और कुछ छोलों को हम बिल्कुल मैश कर लेंगे जिससे गाढ़ा बनाएगा। इसमें आप चाहें तो आलू भी डाल सकते हैं, बट छोलों से बहुत अच्छा टेस्ट आएगा। हाँ हाँ इमली रिया फिर से एक बार चटनी बताएं। श्योर, इसमें हम इमली को इमली जैसे भिगोते हैं, हम पहले इमली भिगो के उसका सारा निकाल लेंगे गूदा सा, उसको पानी डाल के थोड़ा अपने जैसा आपको चाहिए वैसा आप इसको रख सकते हैं। फिर उसमें हम सारे इंग्रेडिएंट्स डालेंगे, प्याज ऑप्शनल है, धनिया, मिर्चा, चॉप जिंजर और जीरा पाउडर, काला नमक, सफ़ेद नमक, लाल मिर्च पाउडर और जैगरी पाउडर अगर आपको पसंद है तो आप डाल सकते हैं उसमें। ये हमने थोड़े से छोले मैश कर लिए हैं जो हमें बाद में काम आएंगे अभी ग्रेवी में। अब हम इसमें आते हैं, ये छोलों में हम ऊपर से ही
मसाले डालेंगे। सॉल्ट तो ऑलरेडी हमने थोड़ा डाला ही था उसमें, धनिया पाउडर। अरोरा मैम कह रही है लुक्स यमी, थैंक यू। ये गरम मसाला, आमचूर पाउडर, इसमें मनार दाना भी डालेंगे। ये है चना मसाला, छोले मसाला, रेड चिली पाउडर, छोले कितने? छोले हमने 200 ग्राम लिए थे। ये देखिए, इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब इसका हम एक छौंका तैयार करेंगे जो हम इसमें डालेंगे और उसके बाद इसको हम पकाएंगे। थोड़ा अनारदाना भी चाहिए। अब इसमें हम डालेंगे थोड़ा सा ऑयल एंड बटर। अभी पंजाबी स्पेशल डिश है और पंजाबियों में बटर ना हो ऐसा तो हो नहीं सकता। जैसे ही हमारा बटर हो जाएगा इसमें हम डालेंगे हींग, जीरा, हरी मिर्च और अदरक। इसमें अभी हम प्याज डालना भूल गए, इसमें हम प्याज डालेंगे। बटर कितना? बटर आप अकॉर्डिंग टू योर चॉइस ले सकते हैं, बस एक टेबल स्पून काफ़ी है। हल्दी, और इसमें जो छौंका हमने डाला है ये हम इसमें डाल देंगे। मिक्स करेंगे और जो इसका पानी था छोलों का पानी भी हम इसमें डाल देंगे थोड़ा सा। अब इसको हम गैस में पकाएंगे। बटर एंड ऑयल 50-50 यूज कर सकते हैं क्या? डेफिनेटली डेफिनेटली, जो आपको पसंद हो, जो आप ज्यादा यूज करते हैं तो उसको यूज कर सकते हैं। बटर के साथ थोड़ा रिफाइंड डालना जरूरी है, अदरवाइज वो जल जाएगा। आप चाहे तो खाली बटर भी यूज कर सकते हैं। पानी आप अपने अकॉर्डिंग डालिए जितना आपको पसंद हो। अब इसमें मैश्ड छोले डाल देंगे।
इसको अब हम थोड़ी देर ढक के पकने देंगे। देखिए कितनी फटाफट तैयार हो जाते हैं। ये पकेगा, थोड़ा सा हम और पानी डाल देते हैं। मैस्ड छोले कितने लेने होगा? यह आप एक कटोरी ले सकते हैं, बिकॉज वो जाना तो इसी में है और इससे ग्रेवी गाढ़ी हो जाएगी, क्योंकि छोले खड़े खड़े रहते हैं तो थोड़ा वैसा लगता है और इससे टेस्ट अच्छा आ जाएगा, थिक ग्रेवी रहेगी और प्रॉपरली सर्व करने में इजी रहता है। और भी सब कमेंट करते रहिए। नीतू वाधवानी, हेलो, छोले आर लुकिंग यमी। यस डियर। मल्टीशा, इसमें ब्लैक सॉल्ट लेना है या नॉर्मल सॉल्ट? नॉर्मल सॉल्ट लीजिए, इसमें आप चाहें तो थोड़ा सा डाल सकते हैं और टेस्ट एनहेंस हो जाता है। बस इसके साथ हम लोगों ने चटनी ली है तो वो ऑलरेडी इसका टेस्ट बढ़ा देगा। अब इसमें लास्ट में हम डालेंगे कसूरी मेथी। कसूरी मेथी को ड्राई रोस्ट करके ही डालना चाहिए, उससे इसका टेस्ट ज़्यादा अच्छा आता है। फ्राई पैन लेंगे, इसमें थोड़ी सी कसूरी मेथी डालेंगे। नीतू वाधवानी मैम कह रही हैं, विच व्हाट यू विल ईट, पूरी और भटूरा? आई एम प्रिपेयरिंग कुलचा टुडे। हम ये पिंडी छोले और अमृतसरी कुलचा, आप इसको भटूरे के साथ भी खा सकते हैं। अब आज छोले बने तो आज डेफिनेटली सब कुछ बनेगा, भटूरे भी बनेंगे, कुलचे भी बनेंगे, जैसे जैसे घर में सबकी चॉइस के अकॉर्डिंग होगा। पंजाबी फ्रेंड्स को टैग करिए, शेयर करिए और आप लोग कैसे प्रिपेयर करते हैं ज़रूर कमेंट में बताइए हमको। ये देखिए प्रॉपरली इसका कंसिस्टेंसी आ गई है। अब इसमें हम हरा धनिया डालेंगे। भटूरे का भी रेसिपी ओरली बता दे प्लीज़। श्योर। इसमें हमने ग्रीन चिली और जूलियंस डाल दिए जिंजर के। अब हमारा ये रेडी हो गया है। रजिया एमरोहानी मैम, हेलो मुक्ता जी। हेलो रजिया जी। अब ये कसूरी मेथी है, इसको हमने रोस्ट कर लिया था। रजिया मैम कह रही हैं, लुक्स यमी। थैंक यू रजिया जी। अंकिता मैम कह रही हैं, वाओ लुक्स सो यमी। थैंक यू। नीतू वाधवानी मैम कह रही हैं, कमिंग टू ईट विद माय ग्रैंड डॉटर। श्योर, वेलकम टू ऑल।
ये हमारा रेडी हो गया, अब हम चलते हैं कुलचे की तरफ। मरियम कालरा मैम कह रही है लुक्स डिलीशियस। थैंक यू मरियम जी। मलती शाह मैम कह रही है इट्स परफेक्ट पिंडी छोला छोले सॉरी। यस मालती जी, वही तो आज हमारा हम लोग का सोमवार का व्रत है, लेकिन ये बनाना पड़ रहा है। बट चलिए बच्चे एंजॉय करेंगे, हम लोग नेक्स्ट टाइम खाएंगे। ये तो पद्मानी मैम कह रही है थैंक्स अ लॉट फैमिली फेवरेट डिश। हमारे बच्चों ने तो अपने फ्रेंड्स लोग को इनवाइट भी कर दिया, पता था आज ये बनेगा। तो भटूरे भी बता दीजिए ना प्लीज जी। हम भटूरे के लिए भी आप इसमें मतलब इसी तरह आटा करेंगे, इसमें थोड़ा दही शक्कर बेकिंग पाउडर बेकिंग सोडा डाल के उसको नीट करके उसको रख सकते हैं हम एटलीस्ट आधे घंटे के। वैसे तो ज़्यादा टाइम के लिए रखेंगे तो बहुत अच्छा रिजल्ट देता है, बट इंस्टेंट है तो फिर भी एटलीस्ट आधा घंटे तक हमको रखना पड़ेगा इसको। रजिया मैम कह रही हैं वाह क्या बात है, आज तो आप मेरा फेवरेट बना रहे हो। थैंक यू रजिया जी। वेरी नाइस मलती शाह कह रही है हमारे बच्चों की भी पार्टी हो जाएगी इस राखी पर। बिल्कुल बिल्कुल, आप लोग बनाइए टैग करिए। अभी हमारी कुलचे की स्टफिंग रेडी है, इसको हम भरेंगे। स्टफिंग थोड़ी ज़्यादा है देखिए। इसमें थोड़ा सा तेल लगा के भूनेंगे। और कुलचे के मसाले में आप लोग थोड़ा नमक मसाला थोड़ा तेज़ी रखेंगे, बिकॉज आटे में जाता है तो उसका थोड़ा टेस्ट कम हो जाता है, इसीलिए हम लोग शेप दे देते हैं। अब कुलचे के लिए हम पानी लेंगे,
इसके ऊपर हम लोग थोड़ा सा धनिया, थोड़ा रेड चिली पाउडर डाल देते हैं। अब तवा हमारा गर्म हो चुका है, इसमें हम लगाएंगे पानी जिससे प्रॉपरली स्टिक हो जाए तवे पे। इसको हमारा तवा गरम है, इसको हम सेक लेंगे दोनों तरफ से। तब तक हम दूसरा तैयार करते हैं। गुरु केक्स, हाय, हेलो। अब इसको हमें डायरेक्ट फ्लेम पे इसको सेकना है। धीरे धीरे करके हम सेकेंगे। इसीलिए इसके लिए हमें नॉन स्टिक का तवे की जरूरत नहीं, हम लोगों को लोहे का ही तवा चाहिए पड़ेगा। इसी तरह आप इसको कुकर में भी सेक सकते हैं सेम प्रोसेस से। इसको क्या आयरन तवा पर सेकना है? हाँ जी, तभी चिपकेगा, हमारे नॉनस्टिक तवे पे तो ये नहीं चिपक सकता। इसका प्रोसेस सेम यही होता है एक्चुअली। देखिए इसमें कलर आ गया है, सिक चुका है। देखिए प्रॉपरली सिक गया है और हमारा नीचे से भी सिक चुका है। देखिए गाइस, यहाँ से भी सीख लिया। ये हमारा एक कुलचा रेडी हो गया है। अब इसमें हम लगा लेंगे बटर। नीतू वाधवानी कह रही है, मैम कैन यू मेक प्लेन वन विथाउट स्टफिंग? श्योर।
रजनी विज मैम कह रही है छोले यम्मी लग रहे हैं, हम आ रहे हैं। हाँ जी बिल्कुल आइए। प्लेन तैयार कर ले रहे हैं। लता कपूर लुक्स यमी मुक्ता जी, थैंक यू लता जी। बटर लगेगा तो कुलचे में जान आ जाएगी। हाँ जी ये देखिए, ये हमने प्लेन तैयार कर लिया है। अब इसमें हम थोड़ा सा पानी लगा के, आप चाहें तो प्लेन कोरिएंडर लगा सकते हैं हम लोग। ये देखिए इसको भी ऐसे सेक लेंगे हम। यस मालती जी, प्लेन कुलचे बनाया आपके लिए। प्लेन हो गया तो नान की तरह हो गया हम लोग का नान। देखिए इसमें भी हम लगा देते हैं थोड़ा सा बटर। माय फेवरेट अमृतसरी कुलचा एंड अमृतसरी छोले एंड कुलचा, लता जी कह रही, लता मैम कह रही हैं। आप लोग को रेसिपी पसंद आई हो तो आप अपने फ्रेंड्स को टैग करिए, उनको शेयर करिए। मल्ती शाह कह रही हैं गार्लिक लगा दो तो गार्लिक नान हो जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। देखिए कितनी जल्दी हम लोग का रेडी हो गया है। अब इसमें हम थोड़ा सा ऊपर डालेंगे कोरिएंडर, अनियन और जिंजर। उसके साथ जाएगी हमारी चटनी। देखिए फ्रेंड्स आप जल्दी से कमेंट करके बताइए आपको कैसा लगा, और आपको पसंद आया हो तो डेफिनेटली आप इस वीडियो को शेयर करिए, और जब बनाए तो टैग करना ना भूलिए। आप हमें इंस्टा भी फॉलो कर सकते हैं mukta.jain.heaven, और YouTube है कुक विद नंदिनीज किचन। आप सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए। अब इसके साथ आप, अब इसके साथ तो खैर किसी चीज़ की अब ज़रूरत ही नहीं है, हमारे पास पूरा फुल रेडी हो गया है मील हमारा।
आई होप आप सबको पसंद आया होगा. थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग. थैंक्स टू अमूल अगेन एंड थैंक्स टू ऑल ऑफ यू फॉर ज्वाइनिंग माई लाइव सेशन. ओके.